करीब 6 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। क्राइम ब्रांच में करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर बड़ा आरोप। रिटायर्ड एसीपी बोले, मुंबई हमले के कसूरवार कसाब का फोन छुपाया था। नहीं बोले, परमबीर सिंह के पास में तो बोला देखो, बोले लाके दो उसके पास चले के। तो फिर वो माली उनके पास गए, ये परमबीर के पास में, और जाके बोले कि सर वो अजमेर का सकबा मोबाइल दो देने के लिए, गेट आउट। ऐसा परमबीर सिंह ने जवाब दिया उसको, चलो भागो कुछ मोबाइल और कुछ। सस्पेंड हो सकते हैं परमबीर सिंह। सरकार के सामने लंबित है प्रस्ताव, बीमारी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, 1 दिसंबर को खुलेंगे शहरी इलाकों में ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक की पढ़ाई। मार्च 2020 के बाद महाराष्ट्र में पहली बार खुलेंगे छोटे बच्चों के लिए स्कूल, जल्द जारी होगा एसओपी। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदला। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब की स्टेट रूट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को चेतावनी, शुक्रवार तक हड़ताल छोड़कर काम पर लौटाने की धमकी, कहा वरना कार्रवाई होगी। 28 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की का दर्जा पाना चाहते हैं, वैसी ही सैलरी और भत्तों की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल से वर्चुअली हुए शामिल, हाल ही में हुई है स्पाइन की सर्जरी। महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र, इस बार नागपुर की जगह मुंबई में ही हो सकता है 22 दिसंबर से शुरू होने के आसार। समीर वानखेड़े को राहत, वानखेड़े परिवार के खिलाफ 9 दिसंबर तक न ट्वीट करेंगे न बोलेंगे नवाब मलिक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक ने उन्हें आश्वासन दिया है, 9 दिसंबर को है केस की अगली सुनवाई। नौसेना के बेड़े में INS वेला शामिल हुई, ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेशन करने में सक्षम। ये पनडुब्बी है साइलेंट किलर, दुश्मन को बिना भनक लगे पहुंच सकती है उसके करीब। INS वेला के आने से मजबूत होगी समुद्र की सुरक्षा। नांदेड़ में ट्रेन हादसे में एक शख्स ने गवाए दोनों ही पैर, रेलवे से नहीं मिली कोई मेडिकल सुविधा, ट्रेन यात्रियों ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया। वासन जिले में मंदिर की छत से गिर जाने से नीचे खड़े शख्स की मलबे में दबकर मौत। गोवा में दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वॉल्पो में जनसभा को संबोधित किया। पहले सतेरी मंदिर आए थे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं के साथ की थी पूजा। 454 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,795 पर सेंसेक्स बंधुआ, निफ्टी में भी 130 अंकों की तेजी। फिर से बढ़ने लगे हैं सोने और चांदी के दाम, 130 रुपए महंगा होकर 47,714 पर सोना बंद हुआ, तो चांदी की कीमतों में 260 रुपए प्रति किलो में बढ़ोतरी। अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को शुरू करने का ऐलान कर सकती है सरकार, इकोनॉमी को मिलेगा एक और बूस्टर डोज। सामने आया वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का पहला लुक, हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया। वैष्णो देवी पहुंचे विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर, वायरल हुई है तस्वीरें। फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली आए आलिया और रणवीर सिंह ने गुड़गांव में अटेंड किया कॉन्सर्ट, फैंस से भी मिले, वायरल हुए फोटोज और वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस के वसूली केस में करीब 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। सूत्रों की अगर माने तो परमबीर सिंह ने केस के बारे में पूछे गए तमाम सवालों के जवाब दिए और वो जांच में सहयोग कर रही हैं। ১৯৮৮ बैच के आईपीएस अधिकारी, मुंबई के पूर्व कमिश्नर, ठाणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर, एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक, कभी मुंबई में परमबीर सिंह की एक ठसक थी, रौब था, रुतबा था, सरकारी तमगों के साथ सीना चौड़ा करके चलते थे परमबीर सिंह। लेकिन आज की तारीख में परमबीर सिंह पर भगोड़े का कलंक भी लग गया है और इसी कलंक को धोने के लिए 232 दिनों से गायब परमबीर सिंह फिर से मुंबई में दिखाई दिए। पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कुर्सी जाती है, उन्हें डीजी होमगार्ड्स बनाया जाता है, उसके बाद से अचानक परमबीर सिंह गायब हो जाते हैं।
समझ में नहीं आता कि उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। न फोन मिलता है, न उनका कोई सुराग मिलता है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि परमवीर सिंह विदेश भाग गए हैं। पुलिस के टॉप ओहदों पर रहने वाले परमवीर सिंह आज की तारीख में मुकदमों के बोझ से लदे हैं। परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई और थाने में 5 केस दर्ज हैं। पहला केस परमवीर सिंह पर गोरेगांव में उगाही का दर्ज है। दूसरा केस मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उगाही का दर्ज है। तीसरा केस परमवीर सिंह के खिलाफ कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। चौथा केस परमवीर सिंह पर थाने नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पांचवा केस परमवीर पर कल्याण के बाजार पेट पुलिस में दर्ज है। इतने केसेस का खौफ कहें या फिर गिरफ्तारी का डर, 4 मई से गायब हुए परमवीर सिंह अचानक मुंबई में प्रकट हुए तो सबसे पहले आज तक के कैमरे ने उन्हें कैच कर लिया और उनकी गुमशुदगी से लेकर केस पर सवाल कर लिए। सर ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा। और सर ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? सर नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूंगा। यकीनन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के सिर पर इतने सारे केस लगने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये आज तक के कैमरे पर तकरीबन नजर आ गया। मुंबई में प्रकट होते हुए परमवीर सिंह सबसे पहले क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे और DCP नीलोत्पल के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। क्राइम ब्रांच की टीम परमवीर सिंह के खिलाफ गोरेगांव में दर्ज फिरौती के एक मामले की जांच कर रही है। इस मामले में परमवीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और कुछ दिन पहले उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया था। आप साफ देख सकते हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अब कांदी वाली यूनिट 11 के ऑफिस पहुंच चुके हैं और वो यहां पर सीधे परमवीर सिंह यहां पर मौजूद है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर कांदी वाली यूनिट के ऑफिस में यहां पर एक मामला जो है उन पर दर्ज है। मुंबई में 2 मामले दर्ज है, थाने में 2 मामले दर्ज है और एक जो है कल्याण के बाजार पर पुलिस स्टेशन में। एक कोर्ट ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर परमवीर सिंह हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद परमवीर के जुहू वाले फ्लैट के बाहर कोर्ट का ये आदेश भी चिपकाया गया था। वक्त भी वो मुंबई के मैजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो जाहिर सी बात है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तब होते हैं कि जब लगातार बुलाने के बावजूद भी आप जांच में शामिल नहीं होते हो और आप अगर आरोपी है, आपके खिलाफ अगर FIR है और बुलाने के बावजूद आप नहीं आते हो तो आपके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकलता है। तो ऐसे में अब जिस केस में उनके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकला है उस केस में वो यहां पर शामिल जांच में शामिल हुए हैं। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कह सकते हैं कि देखिए आप मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया था लेकिन मैं जांच में शामिल हुआ हूं, तो इसके आगे की जो कार्रवाई है संपत्ति कुर्क करने की वो अभी रोक दी जाए और मुझे यहां पर राहत दी जाए, इस तरीके की मांग वो कर सकते हैं। 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमवीर सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगने का केस दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक परमवीर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर 11,92,000 रुपए की उगाही की थी। इस मामले की जाँच क्राइम ब्रांच कर रही है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को परमवीर सिंह को कथित जबरन वसूली केस में सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया था। सुनवाई के दौरान परमवीर सिंह के वकील ने कहा था वो देश में ही हैं, वो फरार नहीं होना चाहते हैं, वो भागना नहीं चाहते हैं। जैसे ही वो मुंबई में एंट्री करेंगे उनकी जान को खतरा है। इनमें से 2 केसेस में उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है, 1 केस में परमवीर सिंह को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार घोषित किया जा चुका है। अब ऐसे में परमवीर सिंह के सामने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देखिए महाराष्ट्र सरकार को पता था कि वो पिटीशन हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में आमतौर पर कैवियट फाइल किया जाता है ताकि अगर कोई भी फैसला सरकार कोर्ट को सुनाना है तो कम से कम दूसरी तरफ से यानी सरकार की तरफ से वो अपनी बात सुन ले, इसके लिए कोशिश की जाती है लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन परमवीर सिंह की जान को खतरे वाली बात पर महाराष्ट्र सरकार भी हैरान है। बहुत ही अचरज की बात है, जो व्यक्ति इस स्टेट के पुलिस के प्रमुख रहे हैं, मुंबई के पुलिस के प्रमुख रहे, थाना के पुलिस के प्रमुख रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पुलिस में यहाँ पे महाराष्ट्र में बिताई, उनको अगर
खतरा लगता है उनके जान को, तो किसी से खतरा है क्या खतरा है वो बताएंगे तो देख सकते हैं। मुंबई की ठाणे पुलिस ने भी जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि परमबीर सिंह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। इसके लिए परमबीर पर जुर्माना भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था, साथ में गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। परमबीर सिंह भले ही मुंबई पुलिस के पास पूछताछ के लिए चले गए हों, लेकिन उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की सूत्रों की अगर माने तो उन्हें सस्पेंड किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के अस्पताल से लौट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। परमबीर सिंह मुंबई से अचानक खुद ही गायब हुए और खुद ही प्रकट भी हो गए, आखिर कैसे? आखिर परमबीर सिंह ने कौन सा कवच ओढ़ रखा था जो पिछले 232 दिन तक दिखाई नहीं पड़े? क्योंकि खुद एनआईए की टीम परमबीर को तलाशने के लिए छत्तीसगढ़, रोहतक समेत कुछ और जगहों पर गई, लेकिन परमबीर उसे कहीं नहीं मिले। हम आपको बता दें कि एंटीलिया केस के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर उनका ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था, और वहां परमबीर सिंह ने 22 मार्च को अपना पद संभाला था और बताया था कि 4 मई तक वो दफ्तर गए थे और 5 मई से वो छुट्टी पर चले गए, और उस वक्त कहा गया कि परमबीर सिंह अपने होम टाउन चंडीगढ़ गए हुए हैं। मई से लेकर अगस्त के बीच उन्होंने अपनी सर्जरी की बात कहकर छुट्टी बढ़वाई और कहा कि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। 29 अगस्त तक परमबीर सिंह छुट्टी पर थे और उसके बाद से उनका किसी से भी संपर्क नहीं हुआ है। अचानक बुधवार यानी 24 नवंबर को परमबीर सिंह का फोन चंडीगढ़ में ऑन होता है। ये तय हो गया कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में ही हैं। और अगले दिन यानी गुरुवार को परमबीर सिंह मुंबई में प्रकट हो गए, लेकिन अचानक से उनका गायब हो जाना और अचानक प्रकट हो जाना अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस छुपाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में परमबीर पर जंग भी छिड़ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा था कि परमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया है, और बीजेपी कह रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गायब करवा दिया है। हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख तो नप गए और उनकी कुर्सी चली गई। इसके अलावा परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने एंटेलिया केस की मुख्य आरोपी और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज सचिन वजे को मुंबई में बार, रेस्तरां और अन्य कई जगहों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में देशमुख के खिलाफ पीआईएल भी दायर की। कोर्ट के आदेश पर जांच करके सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और देशमुख गिरफ्तार हो गए। इस समय वो जेल में है। केंद्र सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए थे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन भी एक प्रामाणिक है कि जिस दिन अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया गया तो परमवीर सिंह के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई पुरावा नहीं कि जो 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि परमवीर सिंह को दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इशारे पे परमवीर सिंह ने ये सब चीजें महाराष्ट्र में की थी। परमबीर सिंह के वकील का कहना है कि उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर और केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस के जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि ऐसे जब दो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो मैटर सीबीआई के पास जाना चाहिए, और जैसे ही इन्होंने सीबीआई को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए, और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज अ सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं। हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया केस में परमबीर सिंह बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस के अफसर सचिन वजे फंसे हुए हैं। एंटेलिया केस में दाखिल हुई 10,000 पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सचिन वजे की कारस्तानी की पूरी जानकारी परमबीर सिंह को थी। कहा जाता है कि सचिन वजे सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था और उसके कहने पर ही एंटेलिया केस की जांच सचिन वजे को सौंपी गई थी। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजे के नाम से आरोप लगाया गया, वजे कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं,
स्वयं परमवीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए, फिर भी अनिल देशमुख जी को सीबीआई ने ईडी ने मामले में उलझा कर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्याय में लड़ाई है, लड़ी जाएगी। अब परमवीर सिंह प्रकट हो चुके हैं और खेल कौन खेल रहा है, खुद परमवीर सिंह इस खेल में शामिल है या फिर कोई और, सारा सच बाहर आ जाएगा। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज फैसला किया है कि 1 दिसंबर से राज्य में पहली से सातवीं तक के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्राइमरी के छात्रों के लिए मार्च 2020 के बाद पहली बार सरकार ने स्कूल शुरू करने की परमिशन दी है। आम्ही आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेतला होता, त्याच्यामध्ये आम्ही मुख्य सचिवांचा अभिप्राय घेतला होता आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही पेडियाट्रिक टास्क फोर्सशी सुद्धा चर्चा केली होती आणि त्याप्रमाणे ती फाईल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना पाठवली होती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये रुग्णालयात हॉस्पिटलमध्ये होते आणि त्यामुळे आज मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा करत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि मंत्रिमंडळातल्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी मिळून, आम्ही सगळ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे की आता उर्वरित इयत्ता म्हणजे ग्रामीण भागातले पहिली ते चौथी आणि शहरी भागातील जे आहे ते पहिली ते सातवी ह्या शाळा ज्या आहेत त्या 1 डिसेंबर पासून सुरू करण्यासंदर्भामधला निर्णय घेतलेला आहे, कारण त्यासाठी लागणारी तयारी या काळामध्ये आम्हाला करता येईल। आम्हाला ज्या स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीच्या बैठका असतील, अधिकाऱ्यांची चर्चा असेल।